जय माता दी, जय एंगिस्तान। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं संदीप बॉलीवुड। जी हां दोस्तों, मैं यहां पे आया हूं हिमेश जी के नए गाने को रिव्यू करने। और आज हम इस गाने को रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या ये गाना, जिस तरीके से लास्ट के कुछ गाने आए हैं वो 5 मिलियन भी नहीं पहुँचा पा रहे, इनफैक्ट 2 मिलियन भी नहीं जा पा रहे हैं, क्या ये गाना हिमेश जी को व्यू दिला पाएगा? क्या ये गाना अंकुश भारद्वाज का जो गाना रिलीज़ हुआ है, ये हिमेश के कम व्यूज़ पे अंकुश लगा पाएगा? हम लोग यहाँ पे सच्चे रिव्यूज़ करते हैं, आपको पता है, आप चाहे जिसके भी फ़ैन हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सच्चे रिव्यू ही मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, हम लोग इसका ऑडियो वीडियो हर एक पहलू का रिव्यू करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू। आइए हुजूर, चढ़ाते हैं आप पे अपने इस वीडियो का शुरू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस सॉन्ग के बारे में बता दूँ, इस सॉन्ग का नाम है अब तेरे बिन नहीं जीना। और ये सॉन्ग है हिमेश से दिल से एल्बम में, उसका 36वां गाना है और इसके सिंगर हैं अंकुश भारद्वाज। इसके म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स डायरेक्टर हमेशा के तरीके हिमेश रेशमिया जी ही हैं। तो ये गाना शुरू होता है हिमेश जी की हर टचिंग शायरी से। शायरी अच्छी है, ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगा क्योंकि बार बार सुन सुन के मैं पक गया हूँ। मुझे लगता है कि अब हिमेश जी को कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद आएगा म्यूज़िक। तो म्यूज़िक वो जो इसका मैंने सुना, माने कि जिस तरीके से हिमेश जी के हर एक म्यूज़िक में शायरी के बाद म्यूज़िक स्टार्ट होता है, काफ़ी इंट्रो बहुत ही अच्छा होता है, वही काम इसमें भी है। जिस तरीके से गिटार का यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, काफ़ी अच्छी मेलोडी लग रही है, आपके दिल तक जाएगा ये म्यूज़िक। और ओवरऑल अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो आप देखेंगे इसमें फ्लूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, वायलिन बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, माने कि जो भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी बहुत बखूबी यूज़ किया गया। हिमेश जी की खासियत है कि इस समय इस दौर में जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तभी ओवरऑल मिलके बहुत अच्छी मेलोडी निकल के आ रही है। ये गाना आपके दिल तक चला जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि मैं सच्चे रिव्यू करता हूँ, म्यूज़िक अच्छा होते हुए भी म्यूज़िक में कमी नज़र आई है, वो क्या है आप बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप भी मुझसे लगता है एग्री होंगे। तो थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक को किनारे रखते हैं, अब बात करते हैं लिरिक्स। देखिए लिरिक्स हिमेश जी ने लिखी हैं और माने कि मैं क्या कहूँ, इस बार की लिरिक्स मुझे अच्छी लगी, रियलिस्टिक लिरिक्स हैं। आप इस लिरिक्स को सुनेंगे, फील कर पाएंगे, अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप सच्चे आशिक हैं, किसी के प्यार में हैं, और जब उसको अपनी आप सफाई देंगे कि हम तुम्हारे बिन नहीं रह सकते हैं, क्या क्या फील करते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए अंतरे भी दोनों बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हार्ट टचिंग लिरिक्स है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हिमेश जी ने लिरिक्स लिखी है। लिरिक्स के लिए मेरा बिग थम्सअप है। अब हम आएंगे सिंगिंग। सिंगिंग अंकुश भारद्वाज ने की है, माने कि इनकी आवाज सुनिए। मैंने तय कर लिया है ओ यारा, अब तेरे बिन नहीं जीना। बहुत ही अच्छा अंकुश भारद्वाज ने गाया है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, एक नयापन है इनकी आवाज़ में, टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आप देखिए गाने को फील के साथ गाया है इन्होंने, काफ़ी जस्टिफाई किया है इनकी लिरिक्स के साथ, एकदम उतार दिया उस फील को। और जिस तरीके से गाना गाया है, ओ माय गॉड, दिल पे छा गई है इनकी आवाज़। मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ इनकी आवाज़ सुन के अंकुश भारद्वाज की, काफ़ी इनोसेंट वॉइस है, दिल से दिल तक जा रही है और एक सच्चे आशिक की आवाज़ लग रही है। अंकुश भारद्वाज की वॉइस बहुत अच्छी है, आप लोग जाके ज़रूर सुनिएगा। अंकुश भाई आपको कंग्रेचुलेशन, आपने सच्चाई बता रहा हूँ बहुत अच्छा गाना गाया। एक सिंगर की यही खासियत होती है कि लिरिक्स के अकॉर्डिंग उसमें ढल जाता है, वही काम अंकुश ने किया है, मतलब दिल से दिल तक इनकी आवाज़ जा रही। मुझे तो और भी इनके गानों का वेट रहेगा, आपको रहेगा नहीं रहेगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि म्यूज़िक में मुझे कुछ लगा। देखिए मैं म्यूज़िक में हिमेश में मेलोडी से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपका डिपार्टमेंट देखिए, वायलिन, कांगो, तबला, सब कुछ लगाते हैं, लाइक बजवाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो म्यूज़िक प्रोडक्शन टीम है वो क्या कर रही है। आप देखिए अगर 100% गानों में से आपका 85%+ गानों में आप वही, मैं बार बार शिकायत रहती है, सेम टाइप का म्यूज़िक आता है, सेम टाइप का फील आता है, मतलब आप लोगों को लग रहा है कोई काम करना ही नहीं है म्यूज़िक प्रोडक्शन में। जब हिमेश इतनी मेहनत कर रहे हैं कंपोजिशन में, आपका जो म्यूज़िक प्रोडक्शन टीम है, मुझे उनसे काफ़ी शिकायत है।
इसीलिए यही रीज़न है आपके व्यूज़ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सिंगर चाहे इतना अच्छा एफर्ट दे दे और हिमेश जी चाहे इतना अच्छा गाना लिख दें, लेकिन जब तक आप लोग म्यूज़िक में वर्क नहीं करेंगे वो चीज़ें लोगों को सेम सेम ही लगती, कोई नयापन नहीं लगता है। तो इस बार भी मुझे ये चीज़ फील हुई, रिदम देखिए वही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनेंगे आपको सेम 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 फील लगेगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, आप लोग लीजेंड के साथ काम कर रहे हैं, कम से कम वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो मेहनत करनी ही चाहिए। और मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। तो ओवरऑल मुझे जो शिकायत थी मैंने बता दी, और वीडियो के बारे में क्या ही कहूँ, सेम आपका स्टाइल है, सिंगर को ला के खड़ा कर देते हैं, गा देते हैं, लेकिन अंकुश भारद्वाज की मैं बहुत ही तारीफ करूँगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस से गाया, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, इनका फील देखिए, इसको कहते हैं एक्टिंग, जस्ट लाइक अ रियल परफॉर्मर, कोई ओवर एक्टिंग नहीं लगेगी, बहुत अच्छा अंकुश भारद्वाज ने किया है, जो बात सच्चाई है। ओवरऑल मुझे गाना अच्छा लगा, आप लोग भी जाइए सुनिए, उस गाने के व्यूज़ अच्छे कीजिए, बढ़वाइए। मैं आशा करता हूँ कि इस गाने के व्यूज़ अच्छे जाएंगे, क्योंकि मैंने फ्रेंकली रिव्यू दिया है कि ये गाना पहले से अच्छा गाना है, बस इसका म्यूज़िक मुझे पुराना फील दे रहा है, उसमें हिमेश जी की कोई गलती नहीं है, उनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन टीम को सोचना चाहिए। और एक बात और, आप लोग सेम मतलब जो भी आपके ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, थंबनेल डिज़ाइनर हैं, मतलब इतने गाने आ गए आप लोग थंबनेल भी नहीं चेंज करते हो, मतलब काफ़ी गलत बात है। अब अगर इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है, माने कि मैं चाहता हूँ हिमेश मैं इंडिया नहीं वर्ल्ड का नंबर वन यूट्यूब चैनल बने, तो प्लीज़ भाइयों आप लोग इस पर भी वर्क कीजिए, नए नए अच्छे अच्छे थंबनेल लेके आइए। आप सेम वही हिमेश जी का पोस्टर लगा देते हो, बस कलर चेंज करके सिंगर को लगा देते हो, तो इससे भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। मतलब इतनी बड़ी टीम है, लेकिन सच्चाई तो ये लगता है ना, आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन में कोई अच्छा काम हो रहा है ना, वीडियो वाले अच्छा काम कर रहे हैं, और थंबनेल वाले को भैया को तो मैं क्या हूँ कहूँ, वही थंबनेल उठा के सिंगर को ला के चाप देते हैं। तो ये सब कमियाँ मुझे लगी वो मैंने बताई, तो आपको क्या लगता है, आप मैंने सही बोला गलत बोला ये भी बताएं। तो दोस्तों जो जो भी अंकुश भारद्वाज के फ़ैन हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसको बहुत अच्छा लगा अंकुश भारद्वाज की आवाज़ सुन के, और अभी आप और कौन से सिंगर को सुनना चाहते हैं। ओवरऑल ये था इस गाने का रिव्यू, आप इस गाने को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय हिंद, लव यू ऑल।